गोरखपुर जिले में सोमवार को 67 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब गोरखपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,114 हो गई है। इनमें से 298 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,485 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1,331 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जाँच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि अगर शहर की बात करें तो 34 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को सबसे अधिक 14 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 4, कैंट थाना में 6, कोतवाली में 1, राजघाट में 1, तिवारीपुर में 3 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 18 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 5, कोराबार में 2, खजनी में 2, कैंपियरगंज में 2, सरदारनगर में 3, पाली में 1, सजनवा में 1, भटट में 2 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्र में 15 मरीज शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।